राजस्थान के बारा शहर के जनता टॉकीज रेडीमेड कपड़ा बाजार में बुधवार रात कुछ हथियारबंद युवकों ने दो दुकानदार युवकों को घायल कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल एक दुकानदार युवक हरीश के भाई मनोज शर्मा को भी पिछले सप्ताह कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। वारदात में दूसरा घायल युवक कोटा निवासी विनोद है, ये हरीश का रिश्तेदार बताया जा रहा है। मनोज बिहप के जिला महामंत्री द्वारका प्रसाद शर्मा का पुत्र है। पहले वाली घटना का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है। हमलावर युवक समुदाय विशेष के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। इस वारदात के बाद शहर में आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस व मीडिया कर्मियों का भी आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल के वार्ड में प्रवेश को लेकर विरोध प्रकट किया। इधर व्यापार महासंघ ने घटना के विरोध में गुरुवार को बारा बंद का आह्वान किया है। करीबन घंटा भर पहले कुछ युवकों ने एक युवक के साथ में मारपीट की घटना कर दी। उस मारपीट की घटना से आक्रोशित कुछ लोग यहाँ आ गए हैं, उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में पुलिस वालों को भी बयान नहीं लेके जा रहे कि कौन मारपीट करने वाले थे। न हमारे को भी रिपोर्ट दिया है, जो ही रिपोर्ट देगी जो ही पता होगा बिल्कुल सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी ये लोग थोड़े आक्रोशित हैं, बाहर आए हैं, यदि इनसे बातचीत की जाएगी, बातचीत करके जो भी है समझाइश की जाएगी। जो घटना में जो भी अभियुक्त है, जो भी किसी भी तरह से उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है और कोटा से भी बुलाया गया अतिरिक्त जाब्ता, और इसमें बिल्कुल पुख्ता पुलिस व्यवस्था की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।